सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 बीएचके और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पंजाब में दलित सीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं है, दलित सीएम बनाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। मायावती ने कहा कि दलित वर्ग कांग्रेस से सावधान रहे। मायावती ने कहा कि चरणजीत सिंह चंद को कुछ वक्त के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। आगामी पंजाब चुनाव बल्कि गैर दलित के बीच से लड़ा जाएगा। इससे साफ होता है कि कांग्रेस का दलितों पर अब तक भरोसा नहीं हुआ है। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी मौत को मुख्यमंत्री चन्नी पंजाब में मुख्यमंत्री बनने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। उनके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी ने भी शपथ ली, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रंधावा अमृतसर सरकार में कारागार और सरकारी कामों में थे। वह गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि रंधावा ने कहा था कि उनकी कभी किसी पद की लालसा नहीं रही है। चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और अमृतसर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वह रूपनगर जिले के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह इस क्षेत्र से साल 2007 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद लगातार जीत दर्ज की। वह शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन के शासनकाल के दौरान 2015-16 में विधानसभा में प्रतिपक्ष में थे। बीआरबी न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।